विद्वान मूर्ख। एक गांव में चार मित्र रहते थे। एक दिन उनके बीच उच्च शिक्षा पाने काशी जाने के विषय में बातें हो रही थी। हम सब कल काशी को रवाना होंगे, क्यों, ठीक है ना? मैं समझता हूँ मेरे लिए उच्च शिक्षा से अनुभव का ज्ञान अधिक महत्व रखता है। नहीं नहीं, उच्च शिक्षा आवश्यक है। मुझे उच्च शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी होशियारी मेरे लिए काफी है, मैं नहीं आऊंगा। तीनों मित्र उच्च शिक्षा के लिए काशी गए, चौथा मित्र उनके साथ नहीं गया। 3 वर्षों के बाद तीनों मित्र वापस गांव आए। अब जब हमने उच्च शिक्षा पा ली है तो इस गांव में उन्नति के अवसर नहीं मिलेंगे, चलो हम शहर चले, चलकर अच्छी नौकरी ढूंढें। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। अरे वाह, क्या मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूं? तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुम शहर आकर क्या करोगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी होशियारी से अवश्य धन कमा लूंगा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। इस बार चारों दोस्त शहर को चल दिए। अरे वो देखो, मरे हुए शेर की हड्डियाँ, मैं अपने ज्ञान से उन्हें जोड़ सकता हूँ। मैं अपने ज्ञान से मांसपेशी भर सकता हूँ और मैं उसमें जान डाल सकता हूँ। खबरदार, शेर हम सबको मार कर खा जाएगा। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम बस हमारे कार्य में रुकावट डाल रहे हो। ऐसा कहकर उन दोस्तों ने अपना परीक्षण शुरू किया। ऐसा मत करो। अरे मूर्खो, कुछ तो सोचो, शेर हमें मार डालेगा। आखिर जब वह दोस्त समझा समझा कर थक गया तो एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर में जान आई तो वह दोस्तों की ओर झपटा, एक के बाद एक तीनों दोस्तों को मारकर खा गया। हे भगवान, अपने ज्ञान के उपयोग से पहले काश तुम सबने होशियारी से सोचा होता। सिर्फ चौथे मित्र ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने आप को बचा लिया। होशियारी बिना ज्ञान अधूरी।